व्यूअर्स हैं, मैं बात करने लगूँ सिंह के बारे में। अगर आपको इस वीडियो की हाईलाइट देखना है तो IPL T20.com पर देख सकते हैं। आपके आसाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिंकू सिंह जो कि तारीफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस सीज़न जो कि लास्ट में इस सीज़न में उन्होंने 5 बॉल पर 5 सिक्स लगा के एक मैच जिताया, लेकिन उसी तरह कुछ इस मैच में भी उन्होंने करने की कोशिश की और लास्ट में उन्होंने 67 रन बनाए सिर्फ और सिर्फ 33 बॉल पे। लास्ट में इन्होंने 6 और 4 चौके की बारिश कर दी। यश ठाकुर को 6 बॉल पे 21 रन चाहिए था, तो उसमें उन्होंने लंबे लंबे 2 बड़े 6 और 1 चौके लगाए, लेकिन इस मैच को जीतने में नाकाम रहे सिर्फ और सिर्फ 1 रन से। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर पहली बॉल जो उन्होंने की थी यश ठाकुर ने, उसमें वाइड की थी, और उसके बाद उन्होंने अच्छे लंबे 1 सिक्स लगाए और एक जो 2 रन चाहिए था जो कि इन्होंने बीच में तीसरी बॉल पे जो इन्होंने 2 रन नहीं लिए, क्योंकि अगर वो लेते तो इस मैच को ये KKR जीत सकती थी, लेकिन उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि सामने जो बैट्समैन था वो बल्ले बॉलर ही था, तो इसके लिए उन्होंने इस रन को नहीं लिया, लेकिन वो ले सकते थे क्योंकि वो रन 2 रन हो सकता था। बाउंड्री गैप में थी, वो फील्डर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने 2 रन नहीं लिया और उसके बाद लास्ट में 1 छक्के 1 चौके लगा के इस मैच को 1 रन से सिर्फ KKR हार भी गई। तो 9-8 बॉल पे यहाँ पर 27 रन चाहिए थे, लेकिन छक्के चौके की बारिश करके यहाँ पर रिंकू सिंह ने इस मैच को जीतने की तरफ कर दी थी KKR के। कुछ पिछले मैच की तरह इन्होंने जो कि 5 बॉल पर 5 सिक्स लगाए थे उसी तरह कुछ बल्लेबाजी कर रही और इस सीज़न उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है। जो कुछ 450-470 रन के करीब इन्होंने इस सीज़न में रन बनाए हैं। तो यहाँ पर रिंकू सिंह एक अच्छे बल्लेबाज है जो कि इंडिया के लिए जल्दी डेब्यू करने वाले, क्योंकि इनके परफॉर्मेंस देख के यहाँ पर सिलेक्टर भी खुश हो गए हैं। तो यहाँ पर नवीन हक जैसे बल्लेबाज बॉलर को इन्होंने अच्छी से अच्छी लंबे लंबे सिक्स लगाए और 110 मीटर के सिक्स लॉन्गेस्ट सिक्स यहाँ पर इस सीज़न में इन्होंने लगाया है और अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाया है रिंकू सिंह ने, जो कि हर तरफ लंबे लंबे सिक्स लगाने जानते हैं, और 2 वाइड, लेकिन इस मैच को जीतने में नाकाम रही यहाँ पर KKR। रिंकू सिंह अच्छे बल्लेबाज है और 2 बॉल पे 12 रन चाहिए था, जिस पर इन्होंने 1 चौके लगाया, उसके बाद 1 बॉल पे 8 रन आया, लेकिन वो 1 सिक्स लगा के 1 रन से यहाँ पर KKR को हार का सामना करना पड़ा। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए रिंकू सिंह जो कि इंडिया के लिए डेब्यू कर सकते हैं। रिंकू सिंह ने अच्छी बल्लेबाजी की और 5 बॉल पर 5 सिक्स जो लगाया था इसी तरह इस मैच में भी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे, जो कि इस मैच को जीतना इनके लिए मुश्किल ही था, लेकिन रिंकू सिंह ने आसान कर दिया और यहाँ पर LSG ने प्ले ऑफ कर दी इस सीज़न में। तो चलिए शुरू करते हैं।